हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आपके भी शरीर में आयरन की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, यानी कि आप एनीमिया रोग से पीड़ित हैं, या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है जिससे आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, या हड्डियों से कट की आवाज आती है, ज्वाइंट पेन की समस्या से परेशान रहते हैं, या आपका वजन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और आप बढ़ते हुए वजन से परेशान है, वजन को कम करना चाहते हैं, या कब्ज की समस्या हमेशा आपको बनी रहती है, या पाचन से जुड़ी कोई भी आपके शरीर में समस्या हो, गैस एसिडिटी की समस्या हो, या आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, या आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ चुकी है, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रामबाण उपाय बताने वाली हूँ, एक ऐसे अनाज के बारे में बताने वाली हूँ जिसका प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होंगी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये अनाज जो है आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, और शायद आपको इस अनाज के बारे में पता भी नहीं होगा कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो जिस अनाज के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम रागी है, इसे हम मिलेट और मड़ुआ भी बोलते हैं। वैसे आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में, आपके शहर में इसे किस नाम से जाना जाता है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, रागी का प्रयोग हम ज्यादातर आटे के रूप में करते हैं। वैसे आपने गेहूं के आटे का प्रयोग बहुत किया होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि रागी का आटा जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है आपके सेहत के लिए, क्योंकि किसी भी अनाज की तुलना में रागी के आटे में कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यह एकमात्र ऐसा नॉन डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें इतनी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिस वजह से अगर आपकी हड्डी की समस्या से जूझ रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, इसके नियमित प्रयोग करने से आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलती है। आपकी हड्डियां बहुत ही जल्दी मजबूत होने लगती है, आपकी हड्डियों से कटकट की आवाज नहीं आती है। क्योंकि फ्रेंड्स, रागी में आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य कई विटामिन होते हैं, और मैं आपको बता दूं केवल 100 ग्राम रागी में ही 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कि आपके सेहत के लिए पर्याप्त होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त होता है। इतना तो आपको कैल्शियम किसी भी अनाज में नहीं मिलता है जितना रागी में मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल से रागी के बेनिफिट्स के बारे में बताने वाली हूँ। ये भी बताने वाली हूँ कि रागी के प्रयोग करके आप किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, और साथ ही मैं आपको इसका प्रयोग किस किस तरीके से करना है वो भी बताने वाली हूँ, क्योंकि रागी के प्रयोग करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको रागी के बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। फ्रेंड्स, रागी में अमीनो एसिड फाइबर काफी अधिक मात्रा में होता है, जो कि आपके वजन को बढ़ने नहीं देता है, और ज्यादा अधिक मात्रा में फाइबर पाने की वजह से फाइबर के सेवन करने से पेट भरे होने का एहसास आपको काफी देर तक रहता है, और इससे आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है और आप कुछ भी उल्टा सीधा खाने से बचे रहते हैं। और रागी में मौजूद प्रोटीन आपके वजन को कम करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है, और अगर रागी आप नियमित रूप से खाएंगे तो आपके शरीर में फैट बढ़ने की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी। सबसे अच्छी बात है कि रागी के आटे में कोलेस्ट्रॉल और सोडियम 0% होता है, जबकि फैट की मात्रा केवल 7% होती है। इसके अलावा इसमें डायट्री फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, और प्रोटीन और फाइबर के कारण इसे वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि गेहूं या चावल के आटे की तुलना में रागी में पॉलीफेनॉल्स और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अगर सुबह का नाश्ता या दिन में लंच में अगर रागी को आप शामिल करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहता है और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित रखता है अगर आप रागी का सेवन करते हैं तो। इसके अलावा एनीमिया रोग में काफी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को खून की कमी हो जाती है, यानी कि आयरन की कमी उनके शरीर में हो जाती है, तो रागी का सेवन करने से उनके शरीर में आयरन की कमी बहुत जल्दी पूरी होने लगती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया की बीमारी हो या शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो गई हो तो रागी का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, आयरन की कमी पूर्ति होगी, जिसकी वजह से उनके खून की कमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को तनाव, स्ट्रेस हमेशा बनती रहती है, अनिद्रा की समस्या से परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में हमेशा रहते हैं, तो उनके लिए रागी काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि रागी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेस यानी आपके तनाव को कम करने में, घटाने में मदद करते हैं। अगर आपको एंग्जायटी, डिप्रेशन या अनिद्रा की समस्या हो तो आप रागी का सेवन करना शुरू कर दीजिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। इसके लिए आपको रागी का प्रयोग दूध के साथ करना होगा रात को सोने से पहले। वैसे किस किस तरीके से आपको प्रयोग करना है मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। इसके अलावा जो रागी है, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, यानी कि
कि जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है या जो अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, प्रोटीन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आप रागी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। खास करके शाकाहारी लोगों की डाइट में अक्सर प्रोटीन सोर्स की कमी हो जाती है, और इसलिए अगर आप शाकाहारी हैं तो आप प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए रागी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जिन लोगों को त्वचा संबंधित समस्याएं होती रहती हैं, जैसे कि मुहासे, डार्क सर्कल, झाइयां, झुर्रियां, उन्हें रागी खाना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा को चमकदार बनाता है और इसमें जो है लाइसिन नामक एक तत्व होता है जो कि स्किन में कसावट लाता है। तो आप मड़ुआ यानी कि रागी का सेवन करके आप अपने स्किन को हेल्दी बनाए रख सकते हैं और एंटी एजिंग की तरह काम करता है, इसलिए आपको रिंकल्स, झुर्रियों की समस्या से छुटकारा मिलेगा, या डार्क सर्कल की समस्या है तो उसमें भी आपको काफी फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रागी के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दिया कि किन किन बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मड़ुआ यानी कि रागी का प्रयोग आपको किस किस तरीके से करना है। तो सबसे इजी तरीका है कि आप रागी के आटे यानी कि मड़ुए के आटे का प्रयोग रोटी बनाकर कर सकते हैं। इसके लिए जब भी आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रहे हों तो उसमें 1/4 जो है रागी के आटे का प्रयोग कीजिए, मिक्स करके और आटा गूंथ लीजिए और इसका रोटी बनाकर आप प्रयोग करेंगे तो इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप रागी के आटे का प्रयोग हलवा बनाकर कर सकते हैं, और हलवा जो है मड़ुआ का हलवा बहुत ही चाव से लोग खाते हैं और काफी टेस्टी भी लगता है। तो आप हलवा बना लीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। आप ब्रेकफास्ट में भी इसका हलवा बनाकर खा सकते हैं। ये काफी हेल्दी भी होता है और आपके शरीर में जितनी भी कमी होगी कैल्शियम की, आयरन की, प्रोटीन की, उस सभी कमी को दूर कर देगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कैल्शियम बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो आप हलवा बनाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मिक्स वेज पराठे की तरह यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ मड़ुए के आटे में, रागी के आटे में आप कुछ वेजिटेबल्स या प्याज वगैरह मिक्स करके तब इसका आप पराठा बना लीजिए या चीला बना लीजिए और ब्रेकफास्ट कीजिए। इससे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। इससे बच्चों को भी जितनी प्रोटीन की कमी चाहिए वो पूरी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी उनके शरीर में नहीं होगी और बच्चे भी बहुत ही चाव से इसका प्रयोग करेंगे अगर आप इस तरीके से पराठे या चीला की तरह इसको बनाकर देंगे तो। इसके अलावा आप मड़ुआ के आटे का प्रयोग यानी कि रागी के आटे का प्रयोग बिस्किट बनाकर कर सकते हैं। जैसे कि हम जो खस्ता बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, जैसे कि आटे का हम ठेकुआ बनाते हैं, उसी तरीके से आप मड़ुए के आटे का ठेकुआ बना लीजिए, उसमें गुड़ मिलाकर और तब आप इसका बिस्किट बनाइए या ठेकुआ बना लीजिए और तब आप इसका प्रयोग कीजिए। बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने वाला है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जब आप इसमें गुड़ ऐड कर देंगे तो ये आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बन जाएगा, क्योंकि गुड़ में भी आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है और गुड़ के सेवन करने से आपके शरीर में आयरन की कमी भी दूर होती है और ये आपके ज्वाइंट के लिए भी काफी अच्छा होता है, ज्वाइंट पेन की समस्या से छुटकारा दिलाता है और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रागी के आटे का प्रयोग किस किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया है और सभी तरीका जो है बहुत ही इजी है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए और अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को, आयरन की कमी को, प्रोटीन की कमी को दूर कीजिए और ज्वाइंट पेन की समस्या से डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए वजन को कम कीजिए। जो भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया है सारे रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आज से ही आप रागी के आटे का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी और भी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक नुस्खे के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।